हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पीईटी यानी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और पीपीटी यानी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के यहाँ पर काउंसलिंग का डेट जारी हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, पहला मेरिट लिस्ट कब जारी होगी और आपको एडमिशन कब तक लेना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सत्र 2024-25 में जो तकनीकी संस्थाएं हैं उनके यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी जो है शेड्यूल जारी कर दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, साथ ही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री का भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने वाला है। साथ ही यहाँ पर एमटेक का भी यहाँ पर काउंसलिंग आप करा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो बीटेक और एमटेक का ऑनलाइन काउंसलिंग 7 अगस्त से यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसमें आप 12 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपका पहला अलॉटमेंट लेटर 14 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 16 से लेकर 21 अगस्त के बीच उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें आप जो है 22 से लेकर 27 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर है 29 जो है अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। इसमें आप 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अंतिम में यहाँ पर संस्था स्तर की काउंसलिंग होने वाली है। इसमें आप 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट है 12 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। संस्था स्तर पर एडमिशन लेने के लिए 13 सितंबर को आपको संस्था में उपस्थित होना पड़ेगा और 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच आप उस संस्था में अगर आपका नाम आता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, जैसे पीपीटी, साथ यहाँ पर जो है एमसीए जैसे कोर्सेज का यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसमें आप 17 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपका पहला मेरिट सूची है 21 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है। इस प्रकार से पहले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सेकेंड राउंड की, इसमें आप जो है 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है 3 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 4 से लेकर 7 सितंबर के बीच आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर संस्था स्तर की काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12 सितंबर को आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। संस्था स्तर पर एडमिशन लेने के लिए 13 सितंबर को आपको संस्था में उपस्थित होना पड़ेगा और 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच आप उस संस्था में अगर आपका नाम आता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर जो है टेक्निकल जो है कोर्सेज हैं उन सभी के यहाँ पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है। जैसे ही आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगा तो आप अपने मोबाइल से ही काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरेंगे, कितना फीस होगा, कैसे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।